और जैसे कि आपको आज मेरे आउटफिट थंबनेल और टाइटल से पता चल गया होगा कि आज हम बनाने वाले हैं सैंडविच। आज की रेसिपी बहुत इजी होने वाली है, आप सबको भी सैंडविच अच्छा लगता है ना, तो डोंट गो विदाउट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो चलिए देखते हैं हमें क्या क्या लगने वाला है। सो हमें चाहिए चीज स्लाइस, आप मोजरेला चीज भी ले सकते हैं। देन हमें चाहिए केचप, उसके बाद चाट मसाला, रेड चिली पाउडर, हमें चाहिए 4 ब्रेड की स्लाइस, मैंने यहाँ पे वाइट ब्रेड यूज़ किया है, आप ब्राउन भी यूज कर सकते, और हमें चाहिए स्लाइस्ड कुकुम्बर एंड टमाटो, और एक पैलेट नाइफ सॉस को स्प्रेड करने के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर मेकिंग दिस सैंडविच। सो गाइस चालू करते हैं सैंडविच बनाना। सो फर्स्ट हमें लेना है ब्रेड और हमें लेनी है सॉस, देन हम पुट करेंगे सॉस। सारे ब्रेड पर मैं सॉस लगा लूंगी। और मैं इसे इवनली स्प्रेड कर लूंगी इस तरह से। वैसे मुझे सारे ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड करना है, तो चलिए मैं सारे ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड कर देती हूँ। सो गाइस मैंने इवनली सॉस को स्प्रेड कर दिया है। अभी मैं रखूँगी वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स दो इस पे रखनी है। फर्स्ट मैं रखूँगी कुकुम्बर के स्लाइसेस कुछ इस तरह, आई होप कि आपको दिख रहा होगा। ज़्यादा वेजिटेबल्स डालिए गाइस, क्योंकि वेजिटेबल्स हेल्दी होती है। तो मैंने यहाँ पे 5 कुकुम्बर्स लगा दी है और इस पे भी मैं लगा लूंगी कुकुम्बर्स। सो गाइस उसके बाद लगाने हैं टमाटोज, रेड रेड टमाटोज। सो मैं टमाटोज यहाँ पे रख दूंगी, 4 टमाटोज ईच सैंडविच पे मैं रख दूँ। ओके सो 4 टमाटोज लग गए हैं। देन यहाँ पे हमारे सैंडविच कुछ इस तरह दिख रहे हैं। एवरीथिंग हो गया है, बस अभी मैं स्प्रिंकल करूँगी चाट मसाला। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं ज़्यादा करूँगी। इस पे भी मैं करूँगी चाट मसाला, अभी थोड़ा करना है और फिर बाद में चीज़ डालने के ऊपर। फिर मैं अभी स्प्रेड करूँगी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा, क्योंकि ये स्पाइसी होता है। तो ये भी डल गया है। सो हमारा सैंडविच रेडी है, बस चीज़ लगाने की टर्न है। सो मुझे चीज़ बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैं पूरी स्लाइस डालूंगी। अगर आपको ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा जिसको चीज़ अच्छा नहीं लगता, पर तो भी अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो आप हाफ या जितना आपको अच्छा लगे उतना डाल सकते हैं। सो ये चीज़ स्लाइस है, जस्ट सिंपली इसके ऊपर रख देना। सो ये रैपर को गार्बेज में फेंक दूंगी मैं बाद में, और देन उसके बाद मैं सेकेंड चीज़ स्लाइस को भी इसी तरह ओपन कर लूँगी। मेरी सेकेंड चीज़ स्लाइस भी ओपन हो गई है। ये भी ओपन हो गई है, और फिर इसके ऊपर वापस चाट मसाला और रेड चिली पाउडर डाल दूंगी। थोड़ा अच्छा इन्हांस फ्लेवर आना चाहिए इसलिए, पर इस बार मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि पहले भी डाला था। अगर आपको डालना है तो आप ऑरिगैनो और चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। और इसके बाद रेड चिली पाउडर, तो यहाँ पे मैंने सैंडविच को अभी ऐसे कवर कर दिया है, दोनों सैंडविच को ऐसे कवर कर दिया है। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पर अगर आपको और टेस्टी खाना है तो आप इसे ग्रिल में ग्रिल कर सकते हो, टोस्टर में टोस्ट, या फिर माइक्रोवेव, या फिर सबसे इजी ऑप्शन पैन पे ग्रिल कर सकते हो। तो मैं भी पैन पे ग्रिल कर लूँगी, पर आप अपनी मम्मा की हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि गैस के पास जाना थोड़ा रिस्की होता है।
तो मैं भी मेरे दोनों सैंडविच रेडी कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। गाइस तो फाइनली हमारे सैंडविच रेडी हो गए हैं, बहुत टेम्पटिंग लग रहे हैं। आपने तो देखा कि कितने जल्दी अपने सैंडविच बना लिया, बहुत ज़्यादा इजी है। मैं इसे सॉस में डिप करती हूँ और टेस्ट करती हूँ। बहुत टेस्टी है गाइस, मतलब इतना अमेजिंग है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपके घर पे टोस्टर होगा तो आप टोस्ट कर सकते हैं या फिर माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ मेरा वीडियो शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट फन लोडेड वीडियो में। टिल देन डू वॉच अदर वीडियोज़। बाय।